नमस्कार, कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मंगलवार 28 दिसंबर। सबसे पहले वेबिनार अपडेट। जल्द हम आपके लिए कॉटन कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं जनवरी मंथ में। साथ में हम कमोडिटी रेशियो और सीजनलिटी की भी एक वेबिनार का आयोजन। इससे आपको ये पता चलेगा कि जनवरी मंथ में ऐसी कौन सी कमोडिटी है जो रेशियो और सीजनलिटी के बेस पे हम पिक कर सकते हैं। वहीं कॉटन में भी हम देखेंगे कि ऐसे कौन सी कमोडिटीज, ऐसे कौन से लेवल्स है या पॉइंट्स है जो हमें 2022 के अंदर कॉटन के अंदर ध्यान देना चाहिए। इस वेबिनार में पार्टिसिपेट करने के लिए नीचे दिए लिंक पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। कल का सेशन काफी शॉर्ट सेशन रहा, जहां पे हमने एमसीएक्स बुलटेक्स में देखा प्राइजेस सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया और 14,150 पे क्लोज हुआ। वहीं अगर हम आज के सेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं प्राइजेस के अंदर ये रेंज बाउंड एक्टिविटी कंटिन्यू चलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि इंटरनेशनल में अगर आप देखेंगे तो हॉलीडे का मूड अभी भी बना हुआ है और डेटा पॉइंट के एब्सेंस के अंदर हमें लगता है कि प्राइजेस जो है वो सीमित दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। टेक्निकली अगर हम देखें तो एमसीएक्स बुलटेक्स को करीबन 14,240 के ऊपर वीकली बेस पे अगर क्लोज करता है तो ही हम एक अच्छी खासी तेजी का रुख देख पाएंगे और जो प्राइजेस को 340 से 380 तक का भी लेवल दिखा दे। अदरवाइज 14,000 से लेके 14,240 का जो दायरा है इसी में मार्केट मूव करेगा। डॉलर इंडेक्स 96 का सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। कोरोना का कंसर्न अभी भी बना हुआ है। नंबर ऑफ केसेस बढ़ने की वजह से करीबन 15,000 फ्लाइट्स ऑलमोस्ट हमने यूएस में कैंसिल होते हुए देखी, जिसका अंदाजा लगाना आसान है कि मार्केट में कंसर्न है, जिसके चलते सपोर्ट भी मिल रहा है। बट कहीं ना कहीं डॉलर की वजह से, गोल्ड और छुट्टी के माहौल की वजह से हमने मार्केट में एक सीमित दायरा देखा। फिजिकल गोल्ड में डिमांड इंप्रूवमेंट है, जिसका कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला। तो आज के लिए एमसीएक्स बुलटेक्स के अंदर दिन में तेजी रह सकती है। 14,240 के करीब मिलने पर बेचिए, 14,100 का टारगेट रहेगा। वहीं गोल्ड में हमने फ्लैटी स्टोन के साथ मार्केट को मूव करते हुए देखा है। कहीं ना कहीं प्राइजेस एक बड़े दायरे में ही मार्केट ट्रेड करते हुए दिखेगा, जो 47,850 से लेकर 48,350 का रेंज रहेगा। 48,300 के करीब आने पे हम बेच सकते हैं, जो 47,850 तक का टारगेट रहेगा। वहीं चांदी की अगर हम बात करें, जब तक 63,500 के ऊपर प्राइजेस नहीं निकलता, 61,500 से 63,500 के बीच में ही चांदी मूव करेगी। क्रूड ऑयल में कल दिन के सेशन में तो हमने दबाव देखा था, बट लेटर इन द डे हमने अच्छी खासी तेजी देखी, जिस ढंग से माना जाता है कि ओपेक प्लस का जो मीट है 4 तारीख का, इसके अंदर 4,00,000 बैरल की जो कटौती, उस पर कुछ नया अपडेट आ सकता है, जिसके चलते प्राइजेस में ब्रेकआउट आया। बट अपसाइड कैप भी लग रहा है, बिकॉज ऑर्निकॉन का जो कंसर्न है वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेगा। रिसेंटली हमने जो फ्लाइट कैंसिलेशन देखा, इसका भी कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट क्रूड पे पड़ना चाहिए। बट टेक्निकल ब्रेकआउट आ जाने की वजह से हमें लगता है 5,750 के टारगेट के लिए हम क्रूड ऑयल लेके चल सकते हैं। नेचुरल गैस में भी यूरोपियन मार्केट के अंदर कोल्डर वेदर का फोरकास्ट आया और यूरोप मार्केट में अभी भी सप्लाई टाइट होने की वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिल रहा है, जो 312 से 316 तक का लेवल हम देख पाएंगे नेचुरल गैस दिसंबर वायदे में, यहाँ पे हम लेके चल सकते हैं। पूरे बेस मेटल पैक के अंदर हमने देखा सप्लाई कंसर्न्स की वजह से और ऑर्निकॉन का वेरिएंट के बावजूद हमने देखा कि ग्लोबल डिमांड में इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। चाइना ने भी जो एफर्ट्स लिए हैं इकोनॉमी को संभालने के लिए, जिसके चलते पूरे बेस मेटल में बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलनी चाहिए। आज अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो कहीं ना कहीं गोल्ड है वो 1810 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। चांदी $23 के करीब ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। नेचुरल गैस $4 के ऊपर आ चुका है। डॉलर इंडेक्स 96 के करीब ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम डेटा पॉइंट की बात करें तो आज जापान से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा तो अच्छे आए हैं, बट अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा थोड़ा सा माइनूटली खराब आया है। यूएस से कोई मेजर डेटा नहीं है, एचपीआई का डेटा फ्लैट है, कॉम्पोजिट 20 एचपीआई का डेटा भी थोड़ा ड्रॉप दिखा रहा है, जबकि मैनुफैक्चरिंग इंडेक्स भी फ्लैट आता हुआ दिख रहा है। यूके में हॉलीडे होने की वजह से आज एलएमई पे कोई ट्रेड नहीं है, जिसके से मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। एमसीएक्स बुलटेक्स आज रेंज में रहेगा, जो 14,250 से लेकर 14,080 की रेंज में ट्रेड करेगा। गोल्ड में 47,920 तक का सपोर्ट ले सकता है, जब तक प्राइसेस 48,550 के ऊपर नहीं जाता है ट्रेंड रेंज बाउंड रहने की उम्मीद है। क्रूड के अंदर ब्रेकआउट है, जो कहीं ना कहीं 5,740 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। जिंक के अंदर मार्केट स्टेबल है, बट ध्यान रखिए 290 के ऊपर होल्ड होने पे 294 तक का लेवल हम देख पाएंगे। ओवरऑल बेस मेटल में बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपनाइए, नेचुरल गैस में बाय करके चलिए, क्रूड में बाय करके चलिए, सोना चांदी रेंज बाउंड रहना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।